हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका वीक प्रोफाइल है और आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका शेंगेन वीज़ा कैसे आए। मैं आपको चार मेन चीज़ें बताने वाला हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है और इससे आपके शेंगेन वीज़ा आने के चांसेस बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पक्का आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़रूर बढ़ेगी। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। अगर आपको शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करवानी हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैं हर वीडियो के और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में और नीचे पिन की गई कमेंट में दे के रखता हूँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। देखो, चार चीज़ें बताऊँगा, उनमें से शायद दो चीज़ें आपको पहले से पता हों और दो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। ठीक है, आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनोगे तभी आपके पूरी बात समझ में आएगी। सबसे पहली चीज़ आती है ट्रैवल हिस्ट्री की बात। जिनका भी वीक प्रोफाइल है वो लोग यूरोप जाने के लिए डेस्परेट हैं, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो ट्रैवल एजेंट्स के पास जाते हैं। ईमानदारी है नहीं दुनिया में, बहुत ही कम लोग ईमानदार हैं, खासकर इस लाइन में। वो कहते हैं जी आपका वीज़ा नहीं आ सकता, आपका तो वीक प्रोफाइल है और साथ में आप कहीं गए भी नहीं हो। आप एक काम करो, आप टर्की चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, इंडोनेशिया चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। सही बता रहा हूँ, ये है आपका फ्रेश पासपोर्ट पर बिल्कुल वीज़ा आ सकता है। जिन लोगों की भी मैंने डॉक्यूमेंटेशन कराई है, 80% से ज़्यादा लोगों के फ्रेश पासपोर्ट पर ही वीज़ा आए हैं। मतलब जिनके भी वीज़ा आए हैं उनमें 80% से ज़्यादा लोग बिल्कुल ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री वाले थे। तो बताओ उनका वीज़ा कैसे आया। और चलो, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ इस टाइम, मेरा खुद लाइफ में पहली बार जो वीज़ा आया था, मैं इंडिया से बाहर गया था, मैं इटली गया था और मेरी सैलरी बहुत ही मामूली थी, ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा थी। तो मेरा वीज़ा भला कैसे आ गया। ठीक है, तो अगर मेरा आ सकता है तो आपका भी आ सकता है। ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अपने एग्जांपल से, औरों के एग्जांपल से, ओवरऑल सब कुछ समझ के कह रहा हूँ। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपका अकाउंट बैलेंस अभी शायद कम है और आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपका मन है कि तुरंत अप्लाई कर दूँ। प्लीज़ डू नॉट गेट इम्पेशेंट। आप अपने किसी फैमिली मेंबर से कहो कि आप मेरे अकाउंट में 3 महीने 4 महीने के लिए पैसे डाल दो। आप अपने किसी फैमिली मेंबर से 4-5 लाख रुपए डलवा के रख लो। क्या है कि वीज़ा में लास्ट की 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है। ठीक है, तो आपने जो आज पैसे डलवाए थे तो लास्ट की 3 महीने की स्टेटमेंट जो निकलेगी, जो 3 महीने प्लस कुछ टाइम बाद आप निकालोगे जिसकी स्टेटमेंट, तो आज का जो मनी डिपॉजिशन है आपके अकाउंट में, जो पैसा क्रेडिट हुआ है, वो नहीं दिखेगा। तो वो आपकी पास्ट सेविंग की तरह दिखाई देगा, ना कि ये कि वीज़ा। और दूसरी तरफ मान लो आप इम्पेशेंट हो गए, आपने अभी पैसे हैं नहीं, घर वालों से पैसे लिए और तुरंत आपने अपने अकाउंट में डाल दिए, तो साफ पता चल रहा है कि आपके बस की है नहीं यूरोप जाना। किसी से पैसे लेके, कुल मिला के उधार लेके अकाउंट में डाल लिए, तो जब पैसे हैं नहीं घूमने के लिए तो जा क्यों रहे हो। ज़रूर तुम्हें वहाँ बसने के लिए जाना है, टूरिज़्म के लिए आप जा नहीं रहे, यही मैसेज जाता है। तो दूसरा, ये जो तीसरी चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखना है। आप पहले व्यू देखो, अल्बेरो बेलो आया हुआ हूँ, बड़ी ही खूबसूरत जगह है इटली के साउथ में, बहुत ही इन्जॉय कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट, स्पॉन्सरशिप। अगर आपका प्रोफाइल वीक है, देखो लाइफ में जब मैंने पहली बार अप्लाई किया था वीज़ा तो मेरी भी लो सैलरी थी, तो मुझे लग रहा था पता नहीं मेरा आएगा कि नहीं, तो मैंने अपने पापा को स्पॉन्सर की तरह दिखाया था। तो भले ही मैं कमा रहा था, कम ही सही, लेकिन अगर आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब पे है या आपके पापा अच्छा कमा रहे हैं या कोई मम्मी या कुछ भी, तो आप उसको भी स्पॉन्सर की तरह दिखाएं और ये भी दिखाएं कि मैं खुद का भी खर्चा उठा रहा हूँ और साथ में वो जो भी पर्सन है वो आपकी ट्रिप का खर्चा उठा रहा है, तो इससे आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो तीसरा जो ये पॉइंट है ये है स्पॉन्सरशिप का, जिसका आपको ध्यान रखना है। अब मैं आ रहा हूँ सबसे मेन और नई चौथी चीज़ पे, जो अभी मार्केट में उतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई नहीं है। अब वो चौथी चीज़ कौन सी है जिसका आपको ध्यान रखना है। देखो, वो चौथी चीज़ है ट्रैवल आइटनरी, जो डिफरेंट है। अब ये क्या है, देखो जो इंडिया में मैं देख रहा हूँ, जो भी लोग यूरोप जा रहे हैं, देखो मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे एक शब्द बोलना पड़ेगा, भीड़ चाल। यहाँ भीड़ चाल बहुत ज़्यादा है, सारे के सारे लोग उन्हीं जगहों पर जा रहे हैं जो टूर कंपनियाँ, उसके टूर पैकेज हैं उनमें जो आइटनरी लिखी हुई है, उसी आइटनरी को रेफरेंस बनाकर उन्हीं दोस्तों से पूछ के उन्हीं 2-4 जगहों पे जा रहे हैं। जैसे सबको माउंट एटलस जाना है स्विट्ज़रलैंड में, पेरिस में डिज्नीलैंड जाना है, ठीक है,
तो उनकी आइटनरी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनके इस ट्रैवल प्लान को अलग हटके दिखाती हो। ठीक है, अब मैं ये क्या कह रहा हूँ, पूरी बात को समझना, पूरा भाव समझे बिना डू नॉट जंप इनटू कंक्लूजन। देखो, वीज़ा ऑफिसर के नज़रिए से देखो, उसके पास आ रही है ढेरों आइटनरी, वो ढेरों कवर लेटर, उस पर टाइम नहीं है सारा देखने का, वो कवर लेटर से ही हाँ या ना कर देगा। तो उसके पास आ रहे हैं ढेरों कवर लेटर, ठीक है, मतलब ढेरों एप्लीकेशन आ रही हैं और वो कवर लेटर उनमें से पढ़ेगा। ठीक है जी, तो अब वो कवर लेटर में ये देख रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप यही दिखा रहे हो ना कि मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ, यही तो आपने अपना पर्पस बताया। तो पर्पस में आप लिखोगे कि मैं माउंट एटलस जा रहा हूँ, डिज्नीलैंड जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। तो वीज़ा ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से देखो, वो कहेगा हाँ ये तो सारे इंडियन जा रहे हैं, पता नहीं ये जेन्युइन है कि फेक है एप्लीकेशन, पता चला कि ये लगा तो रहा है टूरिस्ट वीज़ा लेकिन ये कभी भी लौट के ना आए। तो लेकिन अगर आपने आइटनरी ऐसी बनाई है, कुछ ऐसी जगह मेंशन करी है जो लकीर के फ़कीर वाली नहीं है बल्कि हटके हैं, तो वो कहेगा अच्छा ये यहाँ जा रहा है। देखो जैसे मैं इटली आया हूँ, तो जो भी इटली का वीज़ा ऑफिसर है, ठीक है, वो अपने कंट्री से प्यार करता होगा, उसे तो अपने कंट्री के बारे में पता है भले ही आपको उतना ज़्यादा ना पता हो। तो एक तरफ तो उस पर सारी आइटनरी आ रही हैं, रोम, वेनिस, फ्लोरेंस वाली, तो आइटनरी ने तो उसका ध्यान खींचा नहीं। तो अब वो क्या देखेगा कि इनका मैं प्रोफाइल चेक करता हूँ कि ये अच्छा कमा रहे हैं या नहीं, अगर अच्छा कमा रहे होंगे तो वीज़ा दे दूँगा वरना नहीं दूँगा, सीधी सी बात। ठीक है, लेकिन अगर उसकी आइटनरी में ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ एल्वेरो बेलो ये मैंशनड है, तो वो कहेगा यार ये तो बड़ी अच्छी जगह है, चलो कोई तो है जो अलग जगह जा रहा है, ये शायद जेन्युइन टूरिस्ट है क्योंकि इसने कोई ऐसी जगह ढूंढ के निकाली है जो मुझे पसंद है, या मार्टिना फ्रेंका जा रहा है या लोकोरो तोंदो जा रहा है, इस तरह की जो ऑफबीट जगह हैं। अगर आप इस तरह की जगहों को मेंशन करते हो और एक प्रॉपर सीक्वेंस में दिखाते हो जो लॉजिक बनाती है, जैसे कि मान लो मैं लोकोरो तोंदो में रुका हूँ और आसपास के अब एक एक करके नाम नहीं ले रहा, पर चलो ले लेता हूँ, मैं लोकोरो तोंदो में रुका हूँ और वहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि एक दिन मैं अल्वेरो बेलो जाऊँगा, एक दिन मार्टिना फ्रेंका जाऊँगा, एक दिन मैं चिस्तर नीनो जाऊँगा, तो ये इट मेक्स रियल सेंस। तो जब इस तरह की सेंसिबल और बिल्कुल डिफरेंट ऑफबीट आइटनरी आएगी, तो फिर वो जो वीज़ा ऑफिसर है आपके ट्रैवल प्लान से हो जाएगा संतुष्ट। अब वो देखेगा कि आपका प्रोफाइल कैसा है, अच्छा है या ख़राब है। अब यहाँ पे बात 50-50 की आ जाती है, अब उसके मूड के ऊपर है, अगर उसे लगता है कि अच्छा है तो वीज़ा दे देगा, अगर उसे लगता है कि ख़राब है तो वो नहीं देगा। लेकिन आइटनरी अपना काम कर चुकी होगी, उसका मूड बना चुकी होगी और वो ज़रूर आपके 20-30% चांसेस बढ़ा चुकी होगी। देखो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है फिर तो आप वही डिज्नीलैंड, माउंट एटलस, रोम, वेनिस, फ्लोरेंस वाली, एम्स्टरडेम, पेरिस वाली वो आइटनरी लगाओ, आपका वीज़ा आ जाएगा अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से करें। लेकिन अगर वीक प्रोफाइल है तो मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग सजेशन यही है कि आप एक ऑफबीट ट्रैवल प्लान वाली आइटनरी लगाएं, इट कैन वर्क वंडर्स फॉर यू। अब मैं बता रहा हूँ अपने बारे में, देखो मैंने सारी मिथ बस्ट करी हैं जो भी मार्केट में फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं मिलता, मुझे फ्रेश पासपोर्ट पे डायरेक्ट इटली का वीज़ा मिला है। ठीक है, लोग कहते हैं कि ज़्यादा दिनों की आइटनरी पे वीज़ा नहीं मिलता, आप 10-12 दिन की दिखाओ। देखो पिछला जो मेरा दूसरे नंबर का जो मेरा इससे पहले से पहला वीज़ा था वो मैंने 51 डेज़ का अप्लाई किया था, मेरा तो आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि मुझे वाकई में घूमना था, मेरी सैलरी उस टाइम मात्र 30,000 थी। ठीक है, कैसे आया मेरा वीज़ा, क्योंकि जो मैं ट्रैवल प्लान दिखा रहा हूँ वो बड़ा ही सेंसिबल था। वीज़ा ऑफिसर को साफ समझ में आ रहा है कि ये तो कोई खिलाड़ी आदमी है, ये जिन जगहों पे जा रहा है वो बिल्कुल भी वो जगह नहीं है जहाँ इंडिया का हर आदमी जा रहा है घूमने के लिए। ठीक है, तो वो उसका ध्यान खींच रही हैं। मैं जैसे कि मान लो अमाल्फी कोस्ट दिखा रहा हूँ, उसमें मैं सारे टाउन्स बता रहा हूँ कि इस दिन मैं सलेर्नो में रुकूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, कैप्री जाऊँगा, मैं पोम्पे जाऊँगा, या मैं पॉसिटानो, रवेलो और इस तरह की जगह जाऊँगा। भाई आपको नहीं पता ये सारी जगह, मुझे पता है, वीज़ा ऑफिसर को पता है, ये हमारे आपस की बात है। ठीक है, तो जब वो देखेगा मैं जो कह रहा हूँ वो अच्छे से समझ रहा है,
अब बस उसे हल्का सा तसल्ली करनी है प्रोफाइल से। अब अगर उसे थोड़ा भी वो संतुष्ट हो चुका है कि हाँ भाई, ये आदमी जिन जगहों पे घूमने जा रहा है, यहाँ वाकई में घूमने जाया जाता है, और इसने रिसर्च किया है, तो ज़रूर ये जेन्युइनली घूमने के लिए ही जा रहा होगा, वरना ये इतना डिटेल में इतना अच्छे से ना बना पाता। ठीक है, तो इससे आपके चांसेस बढ़ेंगे। अगेन, आगे लक पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा जो इससे पिछला वीज़ा था, 51 दिन की आइटनरी मैंने दिखाई, मेरा वीज़ा आ गया। ये वाला जो वीज़ा है, 48 दिनों की आइटनरी दिखाई, मेरा वीज़ा आ गया। और लोग कहते हैं कि 12 दिन 15 दिन से ऊपर की दिखाओगे तो आइटनरी पे वीज़ा आएगा ही नहीं। कैसे नहीं आएगा भाई, अगर आपके प्लान में दम है और आपके बेसिक्स और ये सब क्लियर हैं, ठीक है, वीज़ा वगैरह के कोई भी आपने गलती नहीं की है, डेफिनेटली आएगा। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती, इसका जरूर ध्यान रखना। इसको तो मेरे को हर वीडियो में कहना चाहिए, ताकि अगर एक भी वीडियो आपके सामने मेरा है और आपके कानों में बात पड़ जाए, तो लोगों ने जो ये झूठ फैला रखा है अपनी दुकानें चलाने के लिए, ये झूठ तो बंद हो। आप अपने पैसे ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, ठीक है। अगर तो आप मेरी बात समझ गए होगे, अगर आपको शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन मुझसे करवानी है, अगर आप चाह रहे हो कि इस तरह के ट्रैवल प्लान मैं आपको बना के दूँ, आपका वीज़ा मैं लगाऊँ, मतलब अप्लाई कराऊँ, डॉक्यूमेंटेशन करूँ, तो ये मेरा प्रोफेशन है, मैं डेफिनेटली ये करूँगा। पूरी लाइफ मैंने यूरोप के टूरिज्म को डिवोट करी है, प्रोफेशन तो मैंने इसे अभी बनाया है कुछ टाइम पहले, ठीक है। पूरी ज़िंदगी यूरोप के बारे में सीखा है, यूरोप की ऐसी ऐसी जगहों के बारे में जानता हूँ जिनका, सही बता रहा हूँ, इंडिया में नाम भी नहीं सुना किसी ने। अभी अल्बेरो बेलो घूम रहा हूँ, इससे पहले मटेरा घूम रहा था, अभी कल मैं मार्टिना फ्रेंका जाऊँगा, और ना जाने कहाँ कहाँ। तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा अगर आप मेरे से डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, मुझे कांटेक्ट करने के जो लिंक हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन की गई कमेंट में आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड।